नमस्कार, मैं समीक्षा दादी पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। नए संसद भवन के सामने 28 मई को होगा दंगल, रेसलर्स करेंगे महिला महापंचायत। अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी का साथ, कहा बीजेपी को हराने का सही मौका। गौरव वल्लभ ने केंद्र और आरबीआई को लताड़ा, कहा काला धन को सफेद करने का मौका। सिविल कोर्ट के बाहर लगी आग, वकीलों की गाड़ियां हुई खाक। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अब एनएचआरसी को लिखी चिट्ठी। मणिपुर को फिर सुलगाने की कोशिश नाकाम, शॉटगन ग्रेनेड और गोला बारूद ले जा रहे तीन शख्स गिरफ्तार। तेजस्वी यादव ने किया नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार। सिडनी में पीएम मोदी के सम्मान में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ चल रही द्विपक्षीय बैठक। अमित शाह ने आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मध्य प्रदेश चुनाव 2023 जीतने का कांग्रेस का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। नए संसद भवन के सामने 28 मई को होगा दंगल, रेसलर्स करेंगे महिला महापंचायत। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना जारी है। इस बीच पहलवानों ने 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत करने का फैसला किया है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। मंगलवार 23 मई को धरना दे रहे पहलवानों ने न्याय दिलाने की मांग को लेकर जंतर मंतर से इंडिया गेट तक मार्च निकाला था। इस मार्च के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने पत्रकारों को बताया था कि हमने 28 मार्च को नए संसद भवन के सामने शांतिपूर्ण महिला महापंचायत करने का फैसला किया है, क्योंकि हम ये लड़ाई जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने पहले बताया था कि आज जंतर मंतर के पर बैठ के मीडिया के काफी लोग हैं जो नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हम जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं। हम हर जगह जाएंगे, अब देश की अलग अलग जगहों पर जहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे वहाँ पे हम अपनी आवाज पहुँचाने के लिए जाएंगे और देश के जो युवा हैं उनको इकट्ठा करेंगे, मातृशक्ति को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अभी बताया है कि एक कुश्ती खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं है, भारत की 70 करोड़ महिला बहन बेटियों की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी का साथ, कहा बीजेपी को हराने का सही मौका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिल गया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध टीएमसी राज्यसभा में करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को 2024 से पहले हराने का ये सही मौका है। बंगाल की सीएम ने आरोप लगाया कि चुनी हुई सरकार को बीजेपी का काम नहीं करने देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ बोली ममता बनर्जी, आइए सुनते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, हमारा पार्टी के लिए, मैच ऑफ पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जिसके लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम एक ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। जो भी मर्जी कर सकते हैं, हम लोगों को तो ये अभी चिंता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे, देश का नाम ना बदल दे, देश का नाम भी उसका पार्टी का नाम पे कर देगा, वो लोगों को नाम पे कर देगा, ऐसा नहीं चल सकता है। आज भी अगर हम ये बात नहीं समझे तो दुनिया का जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। आज मणिपुर में हर रोज ब्लड निकल रहा है, लेकिन कोई भी नेता को टाइम नहीं मिला उसका पार्टी का कि उधर में जाके थोड़ा जाके मिले पब्लिक का साथ। आज भी लोग नहीं निकाल सकता है, लेकिन इसको बड़ा बड़ा बात चलते है और बीजेपी का पार्टी डायरेक्ट रास्ता में खड़ा होकर बोलता है काम इसको अरेस्ट करेगा, परसों इसका घर में डी जाएगा,
तो अब स्विच का घर महीना ये जाएगा कैसे बीजेपी पार्टी का छोटा छोटा लड़का को जो चुनाव की हमारा बांग्ला है बोली ऐसा माफी उसको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो क्या है गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ द बुलडोजर बाय द बुलडोजर एंड फॉर द बुलडोजर दे वॉन्ट टू डिमोलिश द कॉन्स्टिट्यूशन दे वॉन्ट टू बुलडोज द कॉन्स्टिट्यूशन इवन दे डोंट रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट बॉडी आई एम रियली शॉक्ड बिकॉज आई एम ऑल्सो आई एम ऑल्सो अ लॉयर So always we respect the court body. Sometimes it may be in favor of me, sometimes it may be my against of me. We can discuss about the verdict, not the judge. You know what is going on here. Never we say. When Supreme Court gave a verdict, strong verdict, after so many years, they will go for election, they will go for people, they will work 5 years for the people. And ultimately, central government will rule all the state through governor, through some ordinances, through some letters. आज भी मेरे को एक लेटर मिला कि फॉरेनर्स को ढूंढो कहां से फॉरेनर आएगा इधर में जो वीसा है जिसको है पासपोर्ट है उसका पास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन रहता है ये एनआरसी करने का मतलब है कि चुनाव का पहले ये सब चलाकी में से काम करो लेकिन इससे रोका नहीं जाएगा हम हॉट पार्टी को विनती करने चाहूंगी कि अगर आपका एक साथ में काम करने का मन है दिल है दिमाग है तो मेरे को हम्बल रिगार्ड्स होगा मेरे को अपील होगा कि एक वोट भी बीजेपी को नहीं देके हॉट पॉलिटिकल पार्टी Even there are some BJP party members also, they are also not happy. I will request them also. Give vote to non-BJP party this against the ordinance. अगर ऐसा ही ordinance करेगा तो कोई राज्य को कल तोड़ देगा परसों तोड़ देगा मेजोरिटी रहने से भी ऐसा नहीं कर सकते हैं There are some systems. ये तो खतरनाक बन गया देश के लिए धमाका मचा दिया 2000 का नोट तो क्या था 2016 में तो एकदम ही किया तब तो हम लोगों ने कहा था कि जनता को 2000 नहीं चाहिए 1000 का रुपया में काम हो जाएगा 500 में 100 में 200 में तब तो बात नहीं सुनो अभी ऐसा क्या हो गया कि बाहर जाने का पहले तुरंत इसको करना पड़ा एलआईसी को 3 लाख करोड़ रुपया का लॉस हो गया इसको तो काउंट हो जाता है एक साथ में क्या ऐसा धमाका है इसी के लिए देश का हर आदमी दुखी है किसान लोग भी दुखी है मजदूर भी दुखी है नौजवान भी दुखी है सब झूठा बोलता है हम 1 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को नौकरी देगा आप तुझे किसको दिया एक टेंट बनाया टेंट डिपार्टमेंट उठा दिया बजट उठा दिया उसमें भी आप देखा कि इंजिन कहाँ कहाँ है और कैसे बनाया है और कैसे तोड़ दिया है और क्या सिचुएशन है पब्लिक का एक एक लोकल स्टेशन में एक एक टिकट का भाव ऐसे ही 10 रुपया से 30 रुपीज बना दिया जैसे हमको पास काटवा पैसेंजर एसोसिएशन से लेना है तो देश में जो चलता है दिखाने के लिए कुछ करते हैं लेकिन ये गवर्नमेंट हो गया डबल इंजिन वाला जो गवर्नमेंट बोलता है एक डबल इंजिन और टेरेबल इंजिन बन गया तो अगर एट्रोसॉस टेरेबल कुछ चलेगा तो इसको हम लोग को हिम्मत है इसको लड़ने के लिए जो भी करना है आप कर लो हम लोग डिसीजन लिया है हम बीजेपी का खिलाफ में हम लड़ेंगे हम एक कट्टर रहेंगे हमारा कुछ नहीं चाहिए किसी से कुछ नहीं चाहिए खाली जनता को सेफ करना चाहिए सेफ की सिक्योरिटी रक्षा करना चाहिए देश को रक्षा करना चाहिए आई एम टोटली 100% विथ अरविंद जी मान आई एम टोटली 100% विथ तेलंगाना तेलंगाना बोलो पंजाब बोलो तमिलनाडु बोलो आप केरला बोलो आप आंध्र प्रदेश बोलो आप चेन्नई बोलो आप उड़ीसा बोलो आप बिहार बोलो आप झारखंड बोलो हर जगह भी हम लोग एक साथ में आए और एक साथ में हमको और भी चुकाना है आप लोगों को मदद भी मैं चाहती हूँ मीडिया को तो बोल देता है ये बात कहना ये बात नहीं कहना मीडिया को भी थोड़ा इम्पार्शियलिटी देना चाहिए मीडिया को मालिक लोग डरते हैं
तिलक डराता है। अब तो 6 महीने का बात है भाई, और अगर कोई अचानक कुछ हो जाए, मिराकल कुछ हो जाए, उसको पहले भी जा सकता है। हु कैन से टुमॉरो टुडे आई विल नॉट बी। तो इसी के लिए ये देश में ये लोग नहीं चलेगा। इलेक्शन भी होना है तो 6 महीना बाकी है, इतना ज्यादा नहीं है। अभी उसी के लिए एजेंसी को डांट के भेज रहा है, एक करो वो करो वो करो। अरे सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट दिया, एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या है दिल्ली का चपरासी को अब क्यों ट्रांसफर करेंगे? दिल्ली को एम्प्लॉयज को दिल्ली गवर्नमेंट का अंडर में है, आपका अंडर में नहीं है। आपका अंडर में तो डिफेंस है उधर में हेडक्वार्टर, आपका उधर में होम मिनिस्ट्री है, आपका उधर में बीएसएफ है, आपका उधर में सीआईएसएफ है, आपका अंडर में सीबीआई है, आपका अंडर में ईडी है, आपका अंडर में एनआईए है, क्या नहीं है, पुलिस है, सब कुछ है आपका अंडर में। तो ये लोग चुनाव में जाएगा लड़ेगा और इसको सब पावर अप तोड़ लेंगे, ये बात नहीं चल सकता है। लोकतंत्र रहेगा तो हमारा देश बचेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं बचेगा। इसी के लिए जितना जल्दी ये बीजेपी पार्टी को हटाना हम लोग को सबका काम है, और एक काम हम लोग। गौरव वल्लभ ने केंद्र और आरबीआई को लताड़ा, कहा काला धन को सफेद करने का मौका। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 19 मई की शाम को 2000 रुपए नोट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद लोगों के बीच फिर से परेशानी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बार नोट को बदलवाने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा दी गई है। मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और आरबीआई पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि काले धन का स्वागत है, 2000 का नोट लाओ। थोड़ा बहुत जो ये 2000 का नोट किनके पास मिलेगा, 6 करोड़ एमएसएमईज के पास, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल है, वो कैश बेस्ड इकोनॉमी में काम करते हैं, उनका रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए किनके पास मिलेगा, एक या दो तीन नोट मिल सकते हैं। 6 करोड़ एमएसएमई ओनर्स जो कि देश के हैं, उनके पास मिल सकते हैं 2-4 नोट, या 11 करोड़ किसान के पास मिल सकता है, क्योंकि वो फसल बेच के आया, उसको 2-3 नोट दे दिए, वो अपने घर में उसको लेके बैठा है। अब 11 करोड़ देश के किसान और 6 करोड़ एमएसएमई के जो ओनर्स हैं, वो वापस 42 डिग्री के टेम्परेचर में, 43 डिग्री के टेम्परेचर में बैंकों के ऊपर लाइन लगा लो। साहेब गए 14 डिग्री के टेम्परेचर में सिडनी, और 6 करोड़ एमएसएमई एंटरप्रीनियर्स को और 11 करोड़ किसानों को 44 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, कल तो दिल्ली में 46 डिग्री के तापमान था, 46 डिग्री में आपको लाइन में लगा दिया। और लाइन में ही नहीं लगना है, आप अब आपके जो आपका जो साइकिल था वो आपने ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब आप जाओगे 2000 अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, जो 3-4 नोट आप अपनी जेब में रखते हो, आप बिजनेस में रखते हो, उनको एक्सचेंज कराने जाओगे, पूरी वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है वो ब्रेक होगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी तक डिमोनेटाइजेशन के प्रभाव से बाहर नहीं निकला था, उसके ऊपर एक और चपेट मारी, पता नहीं कहां से ये आइडिया लाते हैं। तीसरी बात, और ये कैलकुलेशन करके आपके सामने रख रहा हूं, देश में इस समय 181 करोड़ 2000 के नोट है, तो अगर हमें इनको एक्सचेंज कराना है तो मान लेते हैं एक आदमी एट ए टाइम 5 नोट एक्सचेंज कराता है, मान लेते हैं, तो कितने ट्रांजेक्शन होंगे, टोटल ट्रांजेक्शन होंगे 36 करोड़ बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे, 36 करोड़ इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। एक ट्रांजेक्शन में मैं मान लेता हूं 4 मिनट लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स, तो अगले 4 महीने में बैंकों के 144 करोड़ मिनट सिर्फ किस काम में लग गए, कि 2000 के नोट जो भी ला रहा है उसको या तो 4-500 के दो, या 20 2000 के 100-100 के दो, या 40-50-50 के दो, तो लगभग 144 करोड़ मिनट अर्थात लगभग 2.5 करोड़ घंटे
बैंक के ब्रांचों के अगले 4 महीनों में नोटों की अदला बदली में चले गए। बैंकों का काम क्या था? नया क्रेडिट देवे ताकि नए रोजगार का सृजन हो, नई जीडीपी देश में बने, लोगों के इनकम बढ़े। अब बैंकों का काम आपने क्या करा दिया? क्रेडिट छोड़ दो, नए क्रेडिट देने की, नए लोन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो आपको क्या करना है, 2.5 करोड़ घंटे अगले 4 महीने में देश के सारे बैंक नोटों की अदला बदली में डालेंगे। तो क्रेडिट ऑफटेक नहीं करेगा तो रोजगार के नए सृजन नहीं होगा, नए रोजगार के, रियल इनकम देश में लोगों की नहीं बढ़ पाएगी, लोगों की इनकम वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट ये है कि बैंक क्रेडिट विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट बिकॉज 2.5 करोड़ आवर्स अप्रोक्सीमेटली विल बी लॉस्ट इन जस्ट एक्सचेंज ऑफ रुपीज 2000 नोट्स। पॉइंट नंबर 4, देश की डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड खत्म हो जाएगी। डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड क्या? एक तो मैंडेटरी कंज्यूमर डिमांड है कि भाई आटा लाना है, दाल लानी है, सब्जी लानी है, बोला खाना ही पड़ेगा जीवन। पर डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड है जैसे हाई एंड एपरल, लग्जरी गाड़ियां, एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, वो कैसे खत्म होगी? कि भाई जिनके पास 2000 के नोट है वो पहले तो जाएंगे अगले 4 महीने में 2000 के 500 में कन्वर्ट करने। अब 500 में भी उनको थोड़ा भय कि पता नहीं कब कौन सा सर्कुलर आ जाए और ये कुछ नया सर्कुलर आ जाए। तो डिस्क्रिशनरी डिमांड जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की है वो नीचे आएगी। अगर वो डिस्क्रिशनरी डिमांड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की नीचे आएगी तो देश का जीएसटी कलेक्शन कम होगा। जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो देश की सरकार के पास सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में जो बजट एलोकेट किया था वो पैसा ही नहीं होगा। तो कौन भुगता? वापिस कौन भुगता? जिसने ब्लैक मनी रखी वो नहीं भुगता। भुगता वो व्यक्ति ही जो कि लोअर इनकम ग्रुप में है या मिडिल इनकम ग्रुप में है, क्योंकि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग से फायदा उसको सबसे ज्यादा होता है। पांचवी बात, भारतीय मुद्रा कोई मजाक का विषय नहीं है। हम नहीं चाहते कि देश की मुद्रा के बारे में कोई विदेश व्यक्ति ये बोले अरे ये नोट कब तक रहेगा यार, इसका ध्यान रखना थोड़ा। क्रेडिबिलिटी जिसको हम कहते हैं साख, क्रेडिबिलिटी ऑफ द करेंसी इज एट स्टेक। आज भारतीय करेंसी मजाक का पात्र बना दिया आपने। कब आप कौन से नोट के कब कौन सी घोषणा कर दो, जब क्रेडिबिलिटी की साख पे, मुद्रा की साख पे प्रश्न चिन्ह आ जाता है तो एक्सचेंज वैल्यू जो मुद्रा की है, एक्सेप्टेबिलिटी जो मुद्रा की है वो कमजोर बढ़ जाती है। और इन सारे मुद्दों से ब्लैक मनी कीपर्स को सिविल कोर्ट के बाहर लगी आग, वकीलों की गाड़ियां हुई खाक। राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर बिजली का तार टूटकर वाहनों पर गिर गया जिससे वहां आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई वाहनों को चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अब NHRC को लिखी चिट्ठी, कहा टिलू ताज पुरिया की तरह जेल में हो सकती है हत्या। दिल्ली की जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। इस बार उसने दिल्ली सरकार नहीं बल्कि जेल प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाया है। सुकेश ने NHRC को चिट्ठी लिखकर जेल अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना देखने का आरोप लगाया है। सुकेश चंद्रशेखर ने इस लेटर में आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने उसे अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल DG संदीप गोयल के खिलाफ दिए गए बयान को वापस लेने को कहा है। इसे लेकर उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मणिपुर को फिर सुलगाने की कोशिश नाकाम, शॉटगन, ग्रेनेड और गोला बारूद ले जा रहे 3 शख्स गिरफ्तार। मणिपुर में हिंसा से जुड़ी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो सुरक्षा एजेंसियों ने भी चरमपंथियों पर लगाम लगाने के लिए कमर कस रखी है। इसी सिलसिले में इनपुट्स के आधार पर मणिपुर में भारतीय थल सेना ने असम राइफल्स के साथ एक्शन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। In 10 days,
was very remarkable in a sense that peace are restoring in many part of the state. But unfortunately, yesterday night, there was a small accident in the Imphal West district. Using the double barrel guns, and three persons were injured, minorly injured. And the police has arrested the culprit with the single barrel guns. And today also, one minor incident took place at New Nambulen, in the heart of the town of the Imphal city. It is very unfortunate to say that one ex-MLA. तेजस्वी यादव ने किया नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन पर बात करते हुए कहा कि हम इस उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, राष्ट्रपति संसद का हेड होता है, राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है। दरअसल विपक्ष की मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। ऐसे में कई राजनीतिक दलों ने नेताओं ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। संसद के नए भवन का उद्घाटन 28 मई को किया जाएगा। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं, उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिलकर के जो है बॉयकॉट करें। 2000 के जो नोट आए हैं, आप 2000 नोट जो बैन किए जा रहे हैं, ये समझ से पड़े हैं? नहीं, ये आप लोग जैसे देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 के नोट लाए गए और भ्रष्टाचार को फिर खत्म करने के लिए 2000 के नोट जो है वो गायब किया जा रहा है। लाने वाले भी यही थे, हटाने वाले भी यही हैं। पहले वाले नोटबंदी का फायदा बता दो और इसका फायदा क्या होगा ये बता दो। लेकिन लेकिन कोई कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बातें हैं, इसलिए ये सारी चीजें खाली अब क्या फायदा है नहीं है। सिडनी में पीएम मोदी के सम्मान में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ चल रही द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। दो दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी ने मुलाकात की। बुधवार सुबह एल्बनीज ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलियाई सेना ने सिडनी के एडन मिलिट्री हाउस से गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्बनीज ने एक दूसरे के साथ चर्चा की। अमित शाह ने आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजादी के अमृत महोत्सव पर गृह मंत्री अमित शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल रहे। इसके साथ ही मोदी सरकार के कल 9 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके लिए भव्य कार्यक्रम की भी तैयारियां की जा रही है। 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ये सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं,
राजसी लगती ये वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनर्जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कितने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब मैं थोड़ा इस घटना के बाद में आपको बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था, जिनमें श्री राजेंद्र प्रसाद भी थे जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। ये घटना क्यों और कैसे हुई, हम सब जानते हैं कि 1947 में भारत को आजादी देने का जब निर्णय हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन को ये प्रक्रिया को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए भारत के वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। जब ये प्रक्रिया करने का समय आया तब लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित जी भी कंफ्यूज थे, उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा कर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चर्चा करने के लिए
अपनी पसंदगी बहुत अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, भारतीय परंपराओं के जानकार, इतिहास के मर्मज्ञ ऐसे विद्वान सी राजगोपालाचारी पर नियुक्त की, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बात को राजा जी के सामने रखा। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं इसका सटीक स्थान था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य इस तथ्य का स्वीकारीकरण है कि भारत में विदेशी शासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचीन और भारत की सुदृढ़ परंपरा है। पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान के संपादन के लिए दक्षिण के मठाधिपति को स्वीकार कर आगे चले, जिससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकीकरण का था। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा इस सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है गंगा जल से, उसको सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा इस सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है गंगा जल से, उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया, भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। आप सेंगोल की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया, मगर एक
विद्वान और पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 1978 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर बी आर सुब्रमण्यम को सेंगोल वृतांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। तमिल मीडिया ने भी परमाचार्य की चर्चा को प्रमुखता से जगह दी और उसे जीवित रखा है। हम सब परमाचार्य के इसके लिए कृतज्ञ हैं। दिलचस्पी की बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकाशित किया है। यह 2021-22 का HR&CE पॉलिसी नोट जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें दर्ज है। इस पर पैरा 24 में इसकी प्रक्रिया को ढंग के साथ वर्णित किया गया है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृत काल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। यह ऐतिहासिक योजना अधिनियम के अध्यक्षों से विचार विमर्श कर बनाई गई है। यह सभी 20 अधिनियम के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे जो प्रधानमंत्री जी को सेंगोल अर्पण करेंगे और इस पवित्र अनुष्ठान की पुनस्मृति में अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत हर्ष की बात है कि 14 अगस्त 1947 की प्रक्रिया में जो स्वयं उपस्थित थे वो 96 साल के वुमिंडी बंगारू चिट्टी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। उनका आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम को मिलेगा। यह घटना का दूरदर्शन और दी हुई लिंक से सभी मीडिया के माध्यमों से जीवंत प्रसारण देश भर के दर्शकों के लिए, नागरिकों के लिए भी होगा। और अब हम एक डिटेल फिल्म इस पूरी प्रक्रिया पर सांस्कृतिक विभाग ने बनाई है, इसको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए, वेबसाइट लॉन्च करने के लिए। अब सेंगोल से जुड़ी तमाम जानकारियां आप मीडिया बंधुओं के साथ भी साझा की जाएंगी। आप मीडिया बंधुओं को उपलब्ध कराई जाएगी जानकारी में सेंगोल के बारे में प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया डॉकेट, पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQs, इसके अलावा सेंगोल के अधिनमों और स्वर्णकार श्री मुमिडी जी के प्रवास की जानकारी भी दिल्ली के बारे में वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय गृहमंत्री जी द्वारा सेंगोल के बारे में शुरुआती जानकारी साझा करने के बाद अब आप मीडिया बंधुओं से कुछ सवालों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं पत्र एवं सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री राजेश मल्होत्रा जी को। एक सेकंड, पहले मेरा निवेदन है कि इसी प्रक्रिया के बारे में ही सवाल करिए। मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक बात आज के महत्वपूर्ण प्रसंग में आए।
मैं आपको मिलता ही रहता हूं। 100 नंबर 100 नंबर इधर इधर फ्रंट पे। अमित जी वनकम, दिनमलर वेंकटरामन फ्रॉम दिनमलर। यू मेड ए वेरी एलाबरेट डिटेल्स अबाउट दिस सिंगोर। इट्स नॉट ओनली फ्रॉम चोला किंगडम, इट्स द रूलर्स ऑफ तमिलनाडु, पांड्या, चेर, चोला पांड्या, एवरीबडी वॉज यूजिंग दिस सिंगोर व्हेन ट्रांसिट्स ऑफ पावर, एंड ऑल्सो इंडिकेट द हाउ अ किंग हैज टू रूल द कंट्री, विच इंडिकेट्स टू द पीपल ऑफ द एंटायर सदर्न इंडिया। नाउ द सदर्न इंडिया पीपल हैव शट द डोर फॉर द बीजेपी फॉर द। चलिए, समझ गया, हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट सर, आपका कोई रिएक्शन नहीं है क्या सर? चलिए, मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई, आप इतना सुनकर भी इतने सन्नीय पत्रकार होकर करते हैं। सर आपने जिस तरह से बताया कि 1947 में पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था, अब 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को पुनर् देश के सामने रखेंगे, गर्व का क्षण होगा और इस क्षण पर सभी को गर्वान्वित होना चाहिए, सबको उपस्थित रहना चाहिए, पूरे देश को भावनाओं के साथ, और जो सांसद हैं या वहां पर रहना चाहिए उपस्थित इस क्षण को देश के सामने अपने आप को भावना प्रकट करने के लिए। नहीं, मैंने हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। 90 सर, ये वही सिंगोल है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था या नया बना है? और अगर नया है तो पुराना वाला कहां है? यही सिंगोल है जो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था जी। 69 सर, जैसा आपने कहा कि यही सिंगोल है जो 1947 में दिया गया था, लेकिन ये अब तक था कहां, और क्या पिछली सरकारों ने इसको खोजने की कोशिश किया या फिर पार्लियामेंट में लाने की कोई भी कोशिश की? इलाहाबाद के संग्रहालय में था, वहां स्थित था, उसको वहां से यहां लाया गया है। 125 गृहमंत्री जी नमस्कार। मेरा सवाल यह है सर, जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई, जो वीडियो भी दिखाया गया, इसमें पूरी जानकारी मिली है कि कैसे ये इसका ऐतिहासिक महत्व है और कैसे इसको प्राप्त किया गया, तमिलनाडु के लोग आए, उन्होंने ये दिया, सत्ता हस्तांतरण हुआ, तो जब ये पहली बार विचार हुआ आप इसको लाएंगे और इस तरीके से इसकी कल्पना पृष्ठभूमि जो रही, ये पहली बार विचार कब आया और कैसे इसको लागू किया जाए, ये क्या कल्पना रही, इसके पीछे प्रधानमंत्री की क्या सोच रही? ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसकी जानकारी मिलने के बाद जैसा मैंने बताया प्रधानमंत्री जी ने पूरे रिसर्च करने के ऑर्डर दिए, और जब रिसर्च कर पूरी चीज तथ्य के साथ सामने आई तब ये उचित माना गया कि जब संसद के नए भवन का निर्माण भी हो चुका है और उसका समर्पण भी हो रहा है राष्ट्र को, तो उसी वक्त उसको सम्मान के साथ हमारे लोकतंत्र के मंदिर में प्रस्तापित किया जाए। सर नमस्कार, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। सवाल यह है कि आपने जैसे कहा कि देश से इसको छुपाया गया, इसके बारे में बताया नहीं गया। मैंने ऐसा नहीं कहा, देश को जानकारी नहीं है ऐसा कहा गया, छुपाया गया आपका शब्द है, आगे बोलिए। लास्ट क्वेश्चन 256 मैडम, सर मैं इधर 256 सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको पुनर्स्थापित करने के पीछे क्या लक्ष्य है, और क्योंकि देश ने इतनी बड़ी परंपरा से अब तक अछूता रहा है तो ये जन जन तक पहुंचे, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, लक्ष्य बहुत स्पष्ट उस वक्त भी था और आज भी स्पष्ट है, सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने से और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से नहीं होता है। सत्ता का हस्तांतरण तब होता है जब सत्ता यहां की परंपराओं से चलेगी, यहां की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर, इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। तो
तो ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी। चार नंबर लास्ट क्वेश्चन। सर आमोद हूं TV9 भारतवर्ष से। एक जो संगोल के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी और इसको ले जाकर म्यूजियम में रख दिया गया था, अब इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन इसको पुनर्स्थापित करने से क्या आपको लगता है कि जो इसको एक नया लोगों को जानने का मौका मिलेगा संगोल के बारे में, और जो अभी आज के डेट में राजनीति की जा रही है संसद भवन को लेकर, उसको थोड़ा कम बल मिलेगा इससे? देखिए, सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले, और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। गृहमंत्री जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है कि जब संगोल को वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने पर विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, तो इसको स्थापित करने पे कैसा माहौल होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घाटन करने को लेकर जब विपक्ष बायकॉट कर रहा है इस कार्यक्रम का, तो जब आप इसे वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित करेंगे तब कैसा हाल होगा? नहीं, इसमें मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जुड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया बंधुओं का, हम धन्यवाद अदा करेंगे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मध्य प्रदेश चुनाव 2023 जीतने का कांग्रेस का प्लान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से उत्साहित कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव किसी चेहरे को सामने रखकर नहीं, वरन अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर लड़ेगी। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने एक सवाल का जवाब में ये बात कही। भारत जोड़ो यात्रा में जो संवाद स्थापित किया हमारे नेता राहुल गांधी ने अलग अलग वर्गों से समाज के, जो मुद्दे उस यात्रा के दौरान निकल कर आए, उभर कर आए, भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देते हैं, उनमें से किसी एक मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करें। मुद्दों पर ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। कर्नाटक का चुनाव मुद्दों पर हुआ, भारी शिकस्त हुई। हर बार पिछले 18 सालों में जो मुद्दे शिवराज सिंह चौहान जी के पहले टर्म में थे, वही मुद्दे विकराल रूप लेकर इस टर्म में भी हैं। ये तो चोरी की सरकार है, ये तो सीना चोरी की सरकार है, कोई जीत कर आए हो ऐसी तो सरकार नहीं है ये, लेकिन मुद्दे वही। वो क्यों अचानक से एकदम से बस में चढ़ जाते हैं और महिलाओं से बात करते हैं, झुग्गी पहुंच जाते हैं वहां पर बात करते हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मध्य प्रदेश से भी गुजरी, इस देश ने यह संदेश दिया है कि हमें हमारी बात सुनने वाले नेता से अब मतलब है। हमारे ऊपर जो अपने मन की बात सौंपेगा उसको हम घर बिठाने का काम करेंगे।